आप नहीं जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव की गर्लफ्रेंड कौन है? जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने खुद खुलासा किया है हाल ही में हुए अपने एक स्टेज शो के दौरान कि उनकी गर्लफ्रेंड न अक्षरा सिंह है न काजल राघवानी है, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड तो कोई और है। जी हाँ, हम भी जानते हैं, आप बड़ी बेसब्री से जानना चाहते होंगे कि काजल राघवानी और अक्षरा सिंह जब उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उनकी गर्लफ्रेंड है कौन। एक्चुअली जहां पर खेसारी लाल यादव स्टेज शो करने गए थे वहां उनकी और स्मृति सिन्हा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। स्मृति सिन्हा को कौन नहीं जानता भाई। स्मृति सिन्हा और खेसारी लाल यादव ने एक साथ एक फिल्म में काम किया था जो खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म थी, साजन चले ससुराल, और जिसमें इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। इस जोड़ी की फैन फॉलोइंग आज भी बहुत तगड़ी है, और आपको बता दें कि कई लोग स्मृति सिन्हा को फिर से खेसारी लाल यादव के अपोजिट देखना चाहते हैं। यहीं पे जब फैंस ने रिक्वेस्ट की तब खेसारी लाल यादव ने बताया कि स्मृति सिन्हा को वो तब से जानते हैं जब उनकी फिल्म की शूटिंग साजन चले ससुराल उनके साथ हो रही थी। तब स्मृति सिन्हा शादीशुदा नहीं थी। स्मृति सिन्हा को देखकर वो दीवाने हो गए। लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव अपने पत्नी के प्रति बहुत वफादार है। वहां पर इन्होंने ये भी ऐड किया कि भले ही उस वक्त मुझे स्मृति सिन्हा बहुत अच्छी लगी हो, लेकिन उस वक्त मैं शादीशुदा था और मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। आपको बता दें कि यहाँ खेसारी लाल यादव ने यह भी मेंशन किया कि मेरे बुरे दिनों में मेरी पत्नी ने तब भी मुझे उतना ही प्यार दिया जब आज अच्छे दिनों में है, तो मैं किसी की वजह से अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता। और यहाँ खेसारी लाल यादव ने एक और बात मेंशन की जिसे पता चलता है कि वो अपने पत्नी के कितने क्लोज हैं। यहाँ खेसारी लाल यादव ने ये कहा, कामयाबी के लिए वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते। वैसे खेसारी की इन बातों को सुनकर ये लगता है कि वो अपने पत्नी के प्रति कितने वफादार हैं और खासकर वो उन्हें कितना एडमायर करते हैं। वो उनकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी तरह की दुख और किसी भी तरह का हर्ट उन्हें नहीं कर सकते। भले ही स्टेज शो के दौरान खेसारी लाल यादव ने ये कह दिया हो कि स्मृति सिन्हा उन्हें पसंद है, आज स्मृति सिन्हा की शादी हो चुकी है, वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश है और खेसारी अपने वैवाहिक जीवन में खुश है, लेकिन पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता। स्मृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है और आगे आने वाले दिनों में अगर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया तो वो फिल्मों में भी साथ काम करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।